साथियों, 11 अप्रैल के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें लोकसभा की बिजनौर सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहले चरण की 8 लोकसभा की सीटों में से एक है, जहाँ पर गठबंधन का कैंडिडेट बड़ी ताकत के साथ लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है हाथी, उससे एक बड़े गुजर परिवार से ताल्लुक रखने वाले मलुक नागर जी मैदान में हैं, और भाजपा से कुंवर भारतेंद्र जी लड़ रहे हैं। भाजपा ने पिछली बार 5,10,000 वोट लेकर के जीत हासिल की थी। उस समय समाजवादी पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी के मलुक नागर जी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे थे। दोनों के प्रत्याशी मैदान में थे, और मलुक नागर जी जो आज मैदान में हैं, ये पिछली बार भी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लड़े थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छा वोट हासिल किया था। इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लोकदल तीनों का गठबंधन है। लोकदल के प्रत्याशी भी लड़े थे पिछली बार 2014 में, तो लोकदल और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों के अगर वोट को इस बार जोड़ लिया जाए तो इनका जो वोट है 5,10,000 होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो 4.25 लाख के करीब होता है। इस तरीके से जो गठबंधन का जो समीकरण है, ये मलुक नागर जी के फेवर में जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि जो पिछली बार एमपी होता है, क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बहुत सारी कमियां लोग गिनाने लगते हैं, क्षेत्र में नहीं आए हैं, काम नहीं किया है, एमपी लेड फंड इसमें हमें नहीं दिया है। तो उनके साथ में उनकी सरकार होती है तो सरकार ने काम नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग युवा जो लोग हैं जो सबसे बड़ा मतदाता है बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ठेके पे नौकरी कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उनके लिए आप भावनाओं के द्वारा नहीं जीत सकते हैं। तो ये आप जानते ही हैं कि उनके एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके साथ में जाता है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते इस बार मोदी जी का, चूँकि लोग कहते हैं कि उन्होंने झूठे वादे किए थे, अच्छे दिन नहीं आए, 15-15 लाख रुपए खाते में नहीं आए, रोज़गार नहीं दिया, 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देने का वायदा किया था। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है, इस तरह की चीज़ें हमारे हर लोकसभा में देखी जा रही हैं।
बिजनौर की विधानसभा में भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो बिजनौर की विधानसभा में, बिजनौर की जो लोकसभा है उसमें जो जाति समीकरण है उसको भी अगर हम उस पर नज़र दौड़ाएं तो जो मुस्लिम समाज है वो 5 लाख से ऊपर है और जो अनुसूचित जाति के मतदाता हैं वो भी 3 लाख से ऊपर हैं और जो जाट समाज के मतदाता हैं, गुर्जर समाज के मतदाता हैं और अदर्स ओबीसी के मतदाता हैं वो भी बड़ी संख्या में हैं। राजपूत मतदाता भी यहाँ पर हैं, सभी जातियों के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर मुकाबला वैसे तो त्रिकोणीय है, चूँकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी कांग्रेस से खड़े हुए हैं, जो पहले बहुजन समाज पार्टी के अच्छे बड़े नेता हुआ करते थे, उनको कांग्रेस ने यहाँ पर खड़ा किया है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत ज़रूर काटेंगे, लेकिन मुस्लिम वोट काटने के बावजूद भी जो मलूक नागर जी हैं इनके फेवर में काफ़ी वोट है, काफ़ी वोट बचता है। जैसे जाट मतदाता हैं, गुर्जर मतदाता हैं, ओबीसी के दूसरे मतदाता हैं और एक बड़े कद्दावर नेता होने के नाते उनका अपना प्रभाव भी है। तो इस बार ऐसा लगता है कि जो पांचों विधानसभाएं हैं जिसमें बिजनौर है, जिसमें आपका हस्तनापुर है और जिसमें चंद्रपुर है, जिसमें मीरापुर है और पांचवी विधानसभा पुरकाजी है, ये 5 विधानसभाओं से मिलकर के ये क्षेत्र बना है। तो 5ों विधानसभाओं में ही गठबंधन का मतलब काफ़ी अच्छा प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उनमें ये सीट भी बिजनौर है, ये भी गठबंधन के फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है। इसलिए चूंकि ये हमारा विश्लेषण है, अनुमान है वोटों के आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर, लेकिन जो असली परिणाम है वो तो 23 मई को ही पता लगेगा कि किसके फेवर में ये सीट जाती है। तो ये था हमारा बिजनौर सीट का आज का विश्लेषण। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।